देखिए बच्चों, आज व्याकरण, व्याकरण माने ग्रामर, ग्रामर के बारे में थोड़ा आज पढ़ेंगे। देखिए आज देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विताक्षर। क्या है यहाँ द्विताक्षर? द्विताक्षर याने डबल लेटर्स, द्विताक्षर याने डबल लेटर्स। देखिए फर्स्ट वन, क प्लस का बिंदु का, का और ये का दो डबल मिटा देते हैं, क्या होगा का। ग प्लस ग इज इक्वल टू ग, ग प्लस ग इज इक्वल टू ग। च प्लस च इज इक्वल टू च, च प्लस च इज इक्वल टू च। ट प्लस ट इज इक्वल टू टा, टा। टा प्लस टा इज इक्वल टू ता, ता। दा प्लस दा इज इक्वल टू दा, ना प्लस ना इज इक्वल टू ना, ना प्लस ना इज इक्वल टू ना। पा प्लस पा इज इक्वल टू पा। देखिए पा ग च ट त द न प, ये इसको डबल लेटर लिखने, डबल मिलाने से ये ऐसा लिखा जाता है। देखिए नेक्स्ट वन, बा प्लस बा इज इक्वल टू बा। देखिए बा प्लस बा इज इक्वल टू बा। मा प्लस मा इज इक्वल टू मा। या प्लस या इज इक्वल टू या। ला प्लस ला इज इक्वल टू ला। वा प्लस वा इज इक्वल टू वा। शा प्लस शा इज इक्वल टू शा। सा प्लस सा इज इक्वल टू सा। हा प्लस हा इज इक्वल टू हा। रा प्लस रा इज इक्वल टू रा। सो यहाँ ऊपर आता है, देखिए निर्मल ऐसा रा, रा ना को रा की मात्रा लगाने पर ना, नी को नी की मात्रा लगाने पर क्या हो नीर मल, ऐसा रा ने पर ऐसा लिखा जाता है। देखिए अगले पर, बा मा या ला वा शा सा हा रा, इस तरह डबल लेटर आने पर लिखा जाता है। देखिए यहाँ थोड़े एग्जाम्पल्स, यहाँ नीचे दिए गए बटन मिलाकर लिखना, कैसे मिलाते हैं अपन यहाँ देखिए। माँ को ये डबल लेटर्स लगा, माँ का क्या हो गया, माँ को ये डबल लेटर्स लगाने पर क्या होगा मक्का। देखिए यहाँ मक्का है। पा को ये आठ, ये पा की मात्रा क्या लगाने पर क्या होता है पक्का। ये पा और ये ना डबल लेटर्स लगाने पर क्या होगा यहाँ पक्का, ऐसा लिखा जाता है इसको, कैसा पक्का। और यहाँ देखिए धा को यहाँ का लगाना चाहिए, क्या होगा धक्का। धा और डबल लेटर्स लगाने से क्या होगा धक्का। मक्का पक्का और धक्का, ये डबल लेटर्स लगाने पर इस तरह लिखा जाता है। देखिए और नेक्स्ट का, कच्चा। देखिए ये क्या होगा कच्चा, क्या होगा यहाँ पर कच्चा, क्या होगा यहाँ कच्चा। नेक्स्ट सच्चा और बच्चा, ये डबल लेटर्स लगाने पर इस तरह लिखा जाता है कच्चा सच्चा और बच्चा। देखिए कच्चा सच्चा और बच्चा। थर्ड वन देखिए छत्ता, क्या हो गया डबल छात्र, डबल लेटर्स लगाने पर क्या होगा छत्ता। पत्ता क्या हो गया पत्ता। भत्ता क्या होगा भत्ता, देखिए छत्ता पत्ता और भत्ता, इस तरह डबल लेटर्स के लगा।
शब्द है। देखिए यहाँ नेक्स्ट संयुक्ताक्षर, फर्स्ट वन क्या पड़ेगा विताक्षर, डबल लेटर्स पड़ेगा। यहाँ देखिए संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यानी ये वर्ड को दूसरा लेटर आने पर क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं संयुक्ताक्षर। यहाँ क्या कहते हैं वर्ड को सेम लेटर आने से क्या कहते हैं, क्या सेम लेटर आने क्या द्विताक्षर कहते हैं। यहाँ वर्ड को यहाँ चेंज होकर लेटर को यहाँ इसके बाद में चेंज होने पर क्या कहते हैं यहाँ संयुक्ताक्षर। कि देखिए का प्लस शा इक्वल टू शा, यहाँ क्या है अक्षर, क्या पढ़ा जाता है इसको का प्लस शा शा अक्षर, क्या हो गया अक्षर। देखिए ता प्लस रा त्रा, ता प्लस रा त्रा, यहाँ क्या है नक्षत्र, यहाँ देखिए त्रा और यहाँ आने से क्या लिखा जाता है नक्षत्र। नेक्स्ट जा प्लस ना ना, जा प्लस ना ना ज्ञान, देखिए यहाँ ज्ञान। शा प्लस रा श्रा, शा प्लस रा श्रा, देखिए यहाँ श्रम श्रवण ऐसा लिखा जाता है। देखिए वर्ब वर्ड लेटर के बाद में दूसरा लेटर आने पर यहाँ क्या कहते हैं संयुक्ताक्षर, या लेटर के बाद जो सेम लेटर आए तो उसको द्विताक्षर कहते हैं। लेटर के बाद जो सेम लेटर आए तो द्विताक्षर, लेटर के बाद जो दूसरा लेटर आए तो इसको संयुक्ताक्षर। ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए और इसको अच्छा पैठा करना चाहिए और दो तीन टाइम्स लिखना चाहिए। देखिए ये संयुक्ताक्षर, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए का को क्या लिखे हैं डबल लेटर्स, कैसे लिखा जाता है डबल लेटर्स को कैसे लिखा मिलाकर कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए का, ये देखिए मक्का, कैसे लिखे यहाँ मा का को का लगाने से क्या हुआ डबल लेटर मक्का हुआ। सेकेंड बच्चा, बच्चा क्या हो गया बच्चा, यहाँ डबल लेटर्स लगाने पर बच्चा। गा सुगा, क्या हो गया सुगा, ये डबल लेटर्स कैसे लिखा जाता है यहाँ देखिए। टा खट्टा, खट्टा ता ता छत्ता, ये क्या है यहाँ छत्ता, छा भी यहाँ छा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ छत्ता पत्ता और क्या भी यहाँ डबल लेटर्स लगाकर और भी वर्ड्स लिख सकते हैं। ये देखिए ता लगाने पर क्या हो गया छत्ता। नेक्स्ट वन दा गद्दी, क्या लिखते हैं यहाँ दी, दा डबल लेटर्स ऐसे लिखने पर यहाँ चेंज होता है, क्या हो गया गद्दी। ना मुन्ना, कैसे लिखते हैं यहाँ ना को डबल लेटर्स लगाने पर यह कैसे लिखता है मुन्ना। पा पप्पा, कैसे लिखते हैं पा को पा डबल लेटर्स ऐसे लगाने पर पप्पा। बा जब्बर, कैसे लिखते हैं जब्बर। मा मम्मी, मम्मी देखिए या, क्या कह सकते हैं रामैया, रामैया, या को डबल लेटर्स ऐसा लिखा जाता है रामैया। ला बल्ला, बल्ला। वा कव्वाली, कव्वाली, या देखिए यहाँ कैसे लिखा जाता है कव्वाली, यहाँ का कव्वाली। नेक्स्ट कैसे लिखते हैं का वा कव्वाली सा रस्सी, कैसे लिखते हैं रस्सी, रा निर्मल, रा को यहाँ कैसे लिख सकते हैं नीर, कैसे लिखते हैं रा को ऐसे लिखने पर क्या होगा निर्मल, ऐसा इसको वर्ड सफर कहीं भी लिख सकते हैं, इसको इसी तरह लिखना चाहिए। और डबल लेटर्स आने पर कैसे लिखते हैं, संयुक्त अक्षर आने पर कैसे लिख सकते हैं, ये इसमें अपन सीखे हैं। आप लोग भी इसमें क्या करना चाहिए फेयर नोट में, फेयर नोट में बैक फेयर नोट में भी ये लेसन के बाद ये संयुक्त अक्षर द्विताक्षर ये ऐसे ही लिखना चाहिए। फेयर नोट के बाद में जो लेसन होगा ना लेसन
लेसन के बाद में ये पेरों पे ही लिखना चाहिए। देखिए होमवर्क डबल लेटर, देखिए होमवर्क देखिए, यहाँ द्विताक्षर और संयुक्ताक्षर, देखिए द्विताक्षर द्विताक्षर और संयुक्ताक्षर होमवर्क में वन टाइम लिखना चाहिए और फेन आउट में कंप्लीट करना चाहिए, फेन आउट में लिखना चाहिए पूरा फेन आउट में संयुक्ताक्षर द्विताक्षर लेसन के बाद में ये ग्रामर में लिखना चाहिए होमवर्क में, ये वन टाइम लिखना चाहिए। थैंक यू।